फ्रेंड्स, माने मेरे मंजन, आज हम बात करेंगे आदित्य बिरला कैपिटल के बारे में। और काफ़ी मीन्स ये स्टॉक जो अगर आप देखेंगे एक साल के अंदर तो 50% डाउन हुआ है। काफ़ी प्रेशर स्टॉक के अंदर आया, लेकिन जैसे जैसे इनके नतीजे काफ़ी अच्छे आते रहेंगे, रेवेन्यूज़ ग्रो होते रहेंगे, ये स्टॉक फिर ग्रो करेगा। लेकिन जब ग्रो करेगा काफ़ी बेहतर ग्रो करेगा, क्योंकि इनके पास जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं हर चीज़ के अंदर डाइवर्सिफाई कर रखी है। लेकिन जब ये लिस्टेड हुआ था, डीमर्जर करके थोड़ा महंगा लिस्ट हुआ था, और उसी के बाद जो है नीचे के रेट पे ये स्टॉक आया। इसका अगर 52 वीक लो देखेंगे तो 77 का है और हाई 166 का, ये 200 के भी पार गया था। लेकिन अब इनके नतीजे आए हैं जो कि काफ़ी बेहतर नतीजे इस क्वार्टर के आए हैं, तो उससे लगता है कि ये स्टॉक अब 100 रुपीज़ के ऊपर ही चलेगा। तो इसके अंदर एक एंट्री करने का भी एक अच्छा वक्त है इस स्टॉक के अंदर लॉन्ग टर्म के नज़रिए से, क्योंकि जब कंटिन्यूस अगर फाइनेंशियल रिजल्ट्स ग्रो करते हुए दिखाई देंगे तो आने वाले समय में इस स्टॉक के अंदर भी एक अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। और इसका अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो काफ़ी ऊपर था, 50,000 करोड़ के भी ऊपर मार्केट कैप था, अब काफ़ी डाउन है। लेकिन फिर ग्रो करेगा, थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा। इसका फेस वैल्यू 10 रुपये का है, तो इसका फाइनेंशियल रिजल्ट सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको भी आइडिया आ सके। तो सबसे पहले मैं आपको इनके नतीजे बता रहा हूँ, तो लाइक ज़रूर करिएगा इस वीडियो को और दूसरे से शेयर ज़रूर करिएगा जिसके पास भी ये स्टॉक है। तो इसका अगर आप मार्च क्वार्टर के देखेंगे नतीजे तो काफ़ी अच्छे ग्रोथ रही है। रेवेन्यूज़ के अंदर रेवेन्यू देखेंगे तो 4730 करोड़ का टोटल इनका रेवेन्यू रहा है मार्च क्वार्टर में। और इनका जो लाइफ इंश्योरेंस का बिज़नेस है वो भी अच्छा खासा बड़ा है, क्योंकि मार्च क्वार्टर के अंदर मार्च एंडिंग में काफ़ी अच्छे चलते हैं इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स। और हाउसिंग का जो इन्होंने लोन्स वगैरह देने का बिज़नेस स्टार्ट किया उसके अंदर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। और लास्ट क्वार्टर में देखेंगे तो 3780 करोड़ का इनका टर्नओवर था, जो कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ रही है। और मार्च 2018 में 3578, तो वहाँ से भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। इसका अगर आप टोटल नेट प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट 254 करोड़ का इनका टोटल रहा है इस क्वार्टर के अंदर, जो कि लाजवाब है। और लास्ट क्वार्टर के अंदर 208 का नेट प्रॉफिट था, और उसके पहले अगर आप देखेंगे तो 169 करोड़ का नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर 2018 में था। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ लास्ट ईयर से भी है और लास्ट क्वार्टर से भी है। तो इस स्टॉक के अंदर अब एक अच्छा मूवमेंट, तेज मूवमेंट देखने को मिल सकता है, और यहाँ से ये स्टॉक फिर ग्रो करके 130-140 के करीब जा सकता है। लेकिन एवरी ईयर के क्वार्टर के नतीजे देखने ज़रूरी हैं, अच्छे नतीजे आने पर ये स्टॉक फिर जो है 180-200 का लेवल क्रॉस करेगा। लेकिन टाइम ज़रूर लगेगा इस स्टॉक को थोड़ा ऊपर आने में, लेकिन लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो ये एक अच्छा मूवमेंट है, अच्छा लेवल है स्टॉक को लेने का। तो ये अब इस रेट पे मिल रहा है, हो न सके आने वाले समय में ये रेट फिर आपको देखने को न मिले। तो आज इसी के बारे में बोलना था, काफ़ी लोग वेट कर रहे थे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आप तक हम पहुंचाते रहें। चलिए, थैंक यू।